रखिएगा। अगर ऐसे पुर आशुभ दौर में, नफरतों के दौर में, अदावतों के दौर में, इस्लाम दुश्मनी के दौर में अगर हम आप कामयाबी चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि हम खुद भी और अपनी नस्लों को भी इल्म की दौलत से सरफराज कराएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हालात का मुकाबला सही मानों में किया जाए तो जब तक हम इल्म की दौलत से सरफराज नहीं होंगे हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, कतई तौर पर नहीं कर सकते। मिसाल दूं, मिसाल थोड़ी सी सख्त है, कड़वी है, सख्त है, कड़वी है। आज फलस्तीन का हम जिक्र कर रहे हैं, इज़राइल का हम जिक्र कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कौन ऐसी बेटी होगी, कौन